हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी फ्रेंड बोल रही हूँ ज्योतिष क्रिएटिविटी से। फ्रेंड्स ये देखिए, मैं अपने कुछ दिनों पहले मम्मी के यहाँ आई थी, तो मेरी मम्मी के कुछ फ्रूटिंग प्लांट्स मैं आपको आज दिखाऊंगी। फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि अभी पूरे वर्ल्ड में जो ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसके लिए काफ़ी चिंताएं सभी को है। तो सभी अपने अपने घर में ही रहें, ज़रूरत ना हो तो बाहर ना जाए, घर में सेफ रहें, स्वस्थ रहें। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सौंफ का प्लांट है, कितने सुंदर से इनमें फ्लावरिंग हो रही है और शूटिंग हो रही है। और ये भी एक सौंफ का प्लांट है, इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स हैं, इसके पहले उसमें येलो कलर के फ्लावर्स थे। देखिए कितने अच्छे से पूरे सौंफ भर के आए हैं, बहुत ही। और मैंने इसको खाया, इतना अच्छा टेस्ट लगा हरे सौंफ का, बहुत अच्छा लगा खाने में। मेरी मम्मी बहुत सारे सौंफ के प्लांट लगाई हैं। ये मेरी मम्मी का टेरेस गार्डन है, उन्होंने ही ये सब लगाया है। और ये देखिए उनका, मेरी मम्मी का ये अनार का प्लांट है, जिसमें अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है, दो अनार लगे हुए हैं और अनार के फूल भी काफ़ी सुंदर होते हैं, बहुत अच्छा होता है अनार का फूल भी देखने में। ये देखिए दो फ्लावर भी हैं और दो अनार लगे हैं। ये अमरूद का प्लांट है, इसको भी मेरी मम्मी ने अपने छत पे ही लगाया है। ये देखिए एक बड़े से टब में लगाया है, इसे अमरूद का प्लांट है, ये कितना ऊंचा हो गया है देखिए। ये भी एक सौंफ का ही है प्लांट, देखिए बहुत सारा सौंफ का प्लांट है और सब में इतना फ्रूटिंग हो रहा है, सौंफ इतना हो रहा है, इतना मीठा लग रहा है खाने में। ये तीसी का, अलसी का प्लांट है, ये देखिए पूरा भरा हुआ है तीसी से। ये भी बहुत सारा लगाई हैं मेरी मम्मी ने, देखिए ये तीसी का प्लांट है, कितना सारा तीसी हुआ है। हम लोग इसे तीसी बोलते हैं, अलसी भी बोलते हैं इसको, और इसके बहुत बेनिफिशियल हमें मिलता है खाने से। ये देखिए मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, पूरा सीड पॉट तीसी से भरा हुआ है, देखिए दिख रहे हैं आपको। ये देखिए ये बहुत अच्छा है, इसमें ओमेगा फैटी एसिड 3 होता है, जो हार्ट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। और ये देखिए नींबू का प्लांट है, इसमें भी फ्रूटिंग अच्छे से हो रही है, नींबू फले हुए हैं, लगे हुए हैं नींबू। ये देखिए ये है तीसी अगेन, और ये एक हम लोग बोलते हैं ना पथल चट्टा, देसी पथल चट्टा का, उसका फ्लावर है, बहुत पुराना है ये प्लांट मेरी मम्मी के यहाँ, उसमें देखिए कैसे फ्लावरिंग आया। ये सौंफ का प्लांट फिर से, वाइट फ्लावर वाला सौंफ है ये। ये लाल मिर्च, कैसे पक के लाल हो गया है मिर्च, देखिए। ये करी पत्ता का प्लांट है, कितना ग्रीन है, कितना सुंदर। ये अगेन तीसी का प्लांट, इसको हम लोग हारजोड़ बोलते हैं, इसको पीस के और इसका मसूर के दाल का टिक्की बना के खाते हैं, जिससे हाथ पैर जोड़ों के दर्द में आराम होता है, लहसुन के साथ पीस के। और ये येलो फ्लावर वाला सौंफ, ये देखिए ग्रीन चिलीज, साथ में तीसी भी दिख रहे हैं, ये ग्रीन चिलीज। ये तो इतना सुंदर, इसका फूल इतना प्यारा लगता है, पूरा येलो लगता है, कोई येलो स्नो है, बहुत सुंदर। देखिए इसकी सुंदरता को निहारिए, साथ में नर्म नर्म सौंफ, ग्रीन ग्रीन सौंफ, कितना सुंदर है, इसको भगवान ने काफ़ी खूबसूरती से बनाया है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
मैं तो बस देखते ही रह गई। ये एक वेस्ट मटेरियल में लगाया हुआ है, थर्माकोल का एक बॉक्स है, उसी में मेरी मम्मी ने खूब सारा खाद दे के लगाया है, गोबर खाद। ओके फ्रेंड्स, बाय।